हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियास रेसिपी हिंदी। आज मैं आपके लिए पैनकेक की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोरियन स्टाइल पैनकेक, जिसके लिए बहुत कम सामान लगता है और बहुत हेल्दी होता है, बहुत आसानी से झटपट बन जाता है, आप इवनिंग में स्नैक्स में खा सकते हैं। जिसके लिए मैंने लिया ग्रीन ऑनियन, एक छोटा टुकड़ा ककड़ी का, गाजर और ऑनियन। पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सारे सब्जी को पतला पतला स्लाइस में काट लिया है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। यहाँ पर मैंने एक चम्मच कॉर्नफ्लोर और दो चम्मच आटे का लिया है। आप चाहे तो आटे के बदले मैदा यूज कर सकते हैं, बट आटा ज़्यादा हेल्दी रहता है तो मैं आटा ही यूज करूँगी, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। अब मैं यहाँ पर एक चम्मच नमक और एक चम्मच ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, पानी डाले बिना ही इसको अच्छे से मिलाएंगे। ज़रूरत होगा तब भी मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, नहीं वरना पानी नहीं ऐड। सो अब मैं यहाँ पर एक चम्मच बटर ऐड कर रही हूँ। आप अगर नॉनस्टिक पैन यूज करते हो तो उसमें कोई भी बटर या ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस सारे वेजीज को इसके ऊपर डालेंगे और हाथ से इसको अच्छे से फ्लैट कर लेंगे, पतला सा इसको एक गोल रोटी जैसा बना लेना है। अब ये क्रिस्पी होने तक हम नीचे से इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दें, वेज कच्चा है तो थोड़ा पकने में टाइम लगेगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और ये बहुत आसानी से बन जाता है। अभी एक तरफ से हो गया है, इसको दूसरे तरफ पलट देंगे। देखिए कितना अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन हुआ है। स्लो फ्लेम में इसको बनाएं तो अच्छे से ब्राउन बनेगा। ये दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो गया है, इसको एक प्लेट पे निकाल लेंगे। अब हमारा ग्रीन ऑनियन पैनकेक रेडी हो चुका है। बहुत आसान झटपट बनने वाली डिश है, घर में इसको जरूर ट्राई करें। एक बात याद रखें, इसको गर्मा गर्म खाना है, ठंडा होने बिल्कुल भी ना दें। वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आऊँगी बहुत जल्दी नया रेसिपी के साथ। बाय।